हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जो बहुत सारे सब्जेक्ट में हम लोगों ने देख चुका है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन पेपर भी, क्वेश्चन के साथ साथ उसके जो आंसर हैं, राइट आंसर हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया है। बहुत सारे सब्जेक्ट में जैसे टीचिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस है, टीचिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के लगभग 3 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं आपके पास। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लगभग 2 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, एजुकेशन का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आज हम लोग देखेंगे वो हिंदी सब्जेक्ट का होगा। आप जिस सब्जेक्ट के में अपना क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, अपना सब्जेक्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्द ही आपके जो सब्जेक्ट हैं उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगी। तो हम लोग बिना देरी किए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के साथ उसके जो राइट आंसर है उसे भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कुछ और भी सब्जेक्ट मैं अपलोड कर दूंगी, वो वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और उसकी जो राइट आंसर है वो भी मिल जाएंगे। प्लस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल करा देती हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के या किसी भी माध्यम से आप उस क्वेश्चन को खुद भी टिक कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से उसका राइट आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है ये शोध पात्रता परीक्षा का है, जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है वो आपका टीचिंग और रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 50 दी गई, यानी 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को ही रीड करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सौर सेनी से, महाराष्ट्र से, अर्धमागधी से या मागधी से। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट के हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसमें जो आपको राइट आंसर लगे उसे टिक करिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके उसका जो राइट आंसर है उसे चेक करिए, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके उसे टिक करिए और वीडियो के माध्यम से उसका जो राइट आंसर है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक टेस्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो आपका दिया गया है ऑप्शन सी, अर्धमागधी, ठीक है। अर्धमागधी से ही अवधि का विकास हुआ। स्टार्टिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। तो कौरवी का जो संबंध है वो है, डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास आप सभी को पता है। यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन डी, यानी कि कुटिल से। देवनागरी लिपि, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देवनागरी लिपि हिंदी के अतिरिक्त किसकी लिपि नहीं है, ठीक है। देवनागरी की जो लिपि है वो किसकी लिपि नहीं है, वो उड़िया की लिपि नहीं है, बाकी जो मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, ये सभी की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। तो ग्रियर्सन ने जो अंतर्वेदी का नाम दिया है उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है, यानी कि अनुच्छेद पूछा है किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं में से राजभाषा की कौन से अनुच्छेद में है, तो वो दिया गया है आपका 347 में, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। जो 6 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 343 होगा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर सी है, यानी कि 343। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो विथ एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अभ्यर्थी शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, यहाँ समास दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि उपमेय विशेषण विशेष या उपमेय में उपमान का संबंध होता है किस समास में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, ऑप्शन डी, यौवन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के रचयिता हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 11th, सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। तो सरहपात के प्रथम कवि कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का दिया गया है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें इसमें है कि इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी भक्तमाल और कुंभदन, सॉरी क्या लिखा हुआ है, कुंभन दास। ठीक है, भक्तमाल जो है वो कुंभन दास का नहीं है, बाकी जो राइट आंसर है वो सब ए बी डी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा राइट मैच नहीं कर रहा है, तो वो राइट मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन कौ धिक्कार, उपर्युक्त पद्यांश किस ग्रंथ से उद्घृत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित कौन नहीं है, तो ये सुंदरदास सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये है मौलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो मौलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है, ये नहीं है मधुमालती नहीं है, बाकी और सारे जो बी सी डी ऑप्शन है ये सभी हैं। मौलिक मोहम्मद जायसी की सबसे फेमस रचना है वो है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को ना बनिच, ना चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसीदास किस कृति से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, कवितावली में। बाकी रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, ये सभी तुलसीदास की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 18 नंबर का, इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ घनानंद द्वारा लिखित नहीं है। तो घनानंद द्वारा कौन सा लिखित नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रस भूषण, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो घनानंद द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आगे की कवि रिझी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन है, सुमेरन कौ बहानव है, उपर्युक्त कथन किसका है। तो उपर्युक्त कथन जो है वो है भिखारी दास का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का कि कौन सी रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि रीतिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित रतन बावनी नामक ग्रंथ का मूल विषय है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का है, मिस्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को किस नाम से पुकारा जाता है। तो मिस्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अलंकृत काल, यानी कि ऑप्शन डी को राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा कवि रीतिकालीन वीर काव्य का कवि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि नागरी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? ठीक है, तो इसके जो प्रथम संपादक हैं वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी यानी सुख सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सागर जो है वो लल्लू लाल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर का, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? ठीक है, तो कामायनी की ये लज्जा सर्ग से दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहन राकेश की कृति है आखिरी चट्टान तक की विधा है, ठीक है, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, या रेखा चित्र है, या नाटक है? तो ये जो है ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, मोहन राकेश का है। ये आप पढ़े होंगे, आपका जो शायद 12th में या ग्रेजुएशन में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है अंधा युग, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 नंबर का वो होगा कुटज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सुमेलित नहीं है, यानी कि राइट मैच जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राज निर्बंसिया का निर्मल वर्मा का नहीं है, ये राजा निर्बंसिया जो है वो निर्मल वर्मा का नहीं है, बाकी ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, पर्दा यशपाल का है, जिंदगी और जोक अमरकांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो 31 का दिया गया है, इसमें भी जो है रॉन्ग मैच ही पूछा है, राइट मैच नहीं पूछा है ज़्यादातर क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, निम्नांकित कहानी आंदोलनों एवं उनके सूत्रधारों से संबंधित युगों में से कौन सा युग असंगत है? ऑप्शन ए दिया गया है आ कहानी निर्मल वर्मा, बी है सचेतन कहानी महीप सिंह, सी है सहज कहानी राकेश वत्स का है, डी दिया गया है समानांतर कहानी कमलेश्वर का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी सहज कहानी राकेश वत्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों से संबंध कौन सा युग असंगत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि नंद किशोर आचार्य जो हैं वो दूसरे सप्तक 1951 के नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए गोपियों का विरह वर्णन, बी है वात्सल्य रस का चित्रण, यानी भ्रमर गीत में क्या चीज़ दिया गया है, किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, ऑप्शन डी दिया गया है कृष्ण की भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर का, देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, ध्रुव स्वामिनी से या कामायनी से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है स्कंदगुप्त से, यानी कि ऑप्शन बी जो है 34 नंबर का वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है 35 नंबर पे, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद ने ही कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 37 नंबर का, यह है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, उपरोक्त गद्यांश किस कहानी से उद्गृत है?
कौन सी कहानी में ये लाइन मेंशन की गई है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महामाया भैरवी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आधे अधूरे नाटक के मूल कथनांक में है, ठीक है, आधे अधूरे जो नाटक है उसमें क्या चीज़ चित्रार्थ किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया गया है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, ऑप्शन बी दिया गया है पारिवारिक विपन्नता, ऑप्शन सी है प्रेम संबंध, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। 14 नंबर क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन और लेफ्ट है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोफेसर मेहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उपर्युक्त पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध से उद्गृत है। ऑप्शन दिया गया है मानस की धर्मभूमि, ऑप्शन बी है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, सी है कविता काव्य है कविता क्या है, ऑप्शन डी दिया गया है श्रद्धा भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कविता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, यहाँ पे कुछ निबंधकार के नाम दिए गए हैं, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो है ऑप्शन बी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 का, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अभिव्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, ऑप्शन दिया गया है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, अर्ध विन्यास वक्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी अर्ध विन्यास वक्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है, कवि की अनुभूति का, आलंबन का, हृदय सामाजिक के चित्त का, और ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है विभावादी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी आलंबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुकरण का आशय है, इसका जो ऑप्शन दिया गया है प्रकृति की नकल, नकल पुनः सृजन या वस्तुपरक अंकन। तो अरस्तु की जो अनुकरण है उसका जो अनुकरण का अर्थ है वो है पुनः सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, टी एस एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को, प्रौढ़ भाषा को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परंपरा और इतिहास बोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम रखा जाए वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है, ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए आक्रामत्व, क्लिष्टत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर 48 का डी यानी दुष्क्रमत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए दिया गया शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करना, ऑप्शन बी है अभिधा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, ऑप्शन सी दिया गया लक्षणा में मुक्तार्थ में बाधा, ऑप्शन डी है व्यंजना में रूढ़ी या प्रयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी यानी कि व्यंजना में रूढ़ी या प्रयोजन जो है वो राइट आंसर होगा 49 क्वेश्चन का। 50th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है
इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है केशव, आनंदवर्धन, जयदेव या भामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी आनंदवर्धन। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया है, सभी का जो राइट आंसर है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपको रॉन्ग लग रहा है तो विथ एक्सप्लेनेशन ये राइट आंसर नहीं है, या फिर जो आपको लगता है वो है तो क्यों है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे और लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।